तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपका लैपटॉप का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो आपका कीबोर्ड किस तरीके से कीबोर्ड वो काम करने वाला है। तो आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा, आपको वो स्टेप फॉलो करना है और आप सिर्फ एक स्टेप फॉलो कीजिएगा दोस्तों। जो मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं, सबसे पहले वो फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आपको दोनों स्टेप अगले दो स्टेप फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो फर्स्ट स्टेप बताऊंगा आपको, वो सिर्फ फॉलो करोगे तो 99% मैं कह सकता हूं कि आपको फर्स्ट में ही आ जाएगा। यहां पर जैसे हमने विंडो प्रेस किया, वहां पर आपको डिवाइस मैनेजर करना है और डिवाइस मैनेजर में यहां पर इसको ओपन, यहां पर जो आपको कीवर्ड का ड्राइवर है इसको अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे कि यहां पर अनइंस्टॉल कर दोगे, यस यस करना है और आपको ओके कर देना है, क्योंकि ओके करने के बाद क्या होगा, आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में आपको यहां पर जो जो मैं ऑप्शन कर रहा हूं, आपको वो ऑप्शन क्लिक करते हैं। ध्यान से देखिएगा और थोड़ा वीडियो को स्लो मोशन में देख लीजिएगा वापस दोबारा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से देखिएगा, ज़रा से भी कट मत कीजिए। जो जो मैंने ऑप्शन किए हैं वो रिस्टार्ट करके ही होंगे, ठीक है। मैंने जो फर्स्ट ऑप्शन बताया था तब भी आपको रिस्टार्ट करना है, उसके बाद आपका वो कंप्यूटर 99% कीवर्ड काम करने लग जाएगा जैसे आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसका, ठीक है। जो मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखा रखा है वो 100% काम करने वाला है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मैंने इसमें तीन स्टेप बताए हैं, आप तीनों को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूँ। अदरवाइज आप कोई और भी जानकारी चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड तो पता कर सकते हैं आप। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, अगर आपको ज़रा सा भी आज वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर आपका सोल्यूशन पक्का मिल गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।